स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शेफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। हमने यूक्लिड ज्योमेट्री की दोनों एक्सरसाइज कर ली, हमने समझ लिया कि क्या क्या इसमें दे रखा है यूक्लिड ज्योमेट्री में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं ज्योमेट्री के, तो आपको समझ रहा बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके वो देख लो पहले, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। इसमें जो टर्म्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना हम अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स वाला, ठीक है। तो उसके अंदर लाइंस में हमें ये वाली जो टर्म्स हैं ये यूज होंगी, तो हमें इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, जिससे हम लाइन वाले चैप्टर में हमें कोई दिक्कत ना हो, एंगल्स लाइन एंड एंगल चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। तो पढ़ते हैं फर्स्ट। फर्स्ट है पॉइंट क्या होता है। अ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय द फाइन मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन द शीट ऑफ पेपर वी शैल डिनोट अ पॉइंट बाय द कैपिटल लेटर। अब कोई भी पॉइंट है, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको एक शीट ऑफ पेपर है आपके पास, उसके ऊपर आप पेंसिल से एक पॉइंट बना दो, शार्प पेंसिल से एक पॉइंट बना दो, उसका नाम दे दो पी। हम पी से डिनोट करते हैं पॉइंट को, ठीक है। तो ये बना दिया आपने, तो ये पॉइंट हो गया, एक डॉट हो गई, तो वो होती है एक पॉइंट। इसको हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट, जैसे आपको दिख रहा होगा फिगर में, एक पॉइंट है शीट ऑफ पेपर है, उस पर एक पॉइंट है पी, ठीक है। सेकंड है प्लेन। प्लेन क्या होता है। अ सर्फेस ऑफ द शीट ऑफ पेपर और द सर्फेस ऑफ द स्मूथ ब्लैक बोर्ड आर क्लोजली एग्जाम्पल ऑफ प्लेन। कोई भी एक शीट ऑफ पेपर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कोई भी एक ब्लैक बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो ये प्लेन के एग्जाम्पल है। ज्योमेट्रिकल प्लेन एक्सटेंड एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस। अब ये क्या होता है। अब आपके पास शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने पॉइंट बना दिए बी सी और डी, तीन पॉइंट बना दिए। तो आप क्या लिखोगे कि प्लेन बी सी डी, ठीक है, प्लेन बी सी डी लिखोगे, और इसको हम एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया प्लेन, ठीक है। अगर कोई पॉइंट प्लेन से बाहर है, कोई शीट ऑफ पेपर से बाहर है, सपोज जीन, तो इसको कहते हैं हम स्पेस। ये आपके बुक में नहीं है पर मैं फिर भी बता देती हूँ, ये बाहर जो पॉइंट होगा प्लेन से उसे कहेंगे हम स्पेस। तो आपको ये पता चल गया प्लेन क्या होता है। वो ज्योमेट्रिकली प्लेन जो होता है वो किसी तरफ से भी एक्सटेंड हो सकता है, उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे उसे हम कहेंगे प्लेन बी सी डी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लाइन सेगमेंट क्या होता है। अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट ए बी। कोई भी एक स्ट्रेट पाथ है, कोई भी एक स्ट्रेट पाथ है, दो उसके एंड में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो इसके बीच में जो लाइन बनेगी उसे कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। अब आप ये बोलोगे कि लाइन सेगमेंट तो बता दिया, अब लाइन भी तो बताओ क्या होता है। लाइन सेगमेंट समझो कि दो पॉइंट, उसके दो एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के, और ये किसी भी तरफ से एक्सटेंड नहीं हो सकती, किसी भी तरफ से खिंच नहीं सकती, तो उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। द एंड पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। ये वाले जो दो एंड पॉइंट्स होंगे लाइन सेगमेंट के उसे कहेंगे हम एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ये होता है लाइन सेगमेंट। अब लाइन क्या होता है। अ लाइन सेगमेंट ए बी विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन इज द लाइन ए बी। अब ए बी पॉइंट है इस लाइन के बीच में, ए बी है आपको दिख रहा होगा, ए बी है, तो लेकिन ये लाइन ना किसी भी तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, कितनी भी आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसके दो एंड पॉइंट्स होते ही हैं। इन दोनों के बीच पॉइंट के बीच में जो लाइन है उसे कहेंगे हम लाइन सेगमेंट, अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो उसे कहेंगे हम लाइन, ठीक है। अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन के नहीं होते। हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। अ लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन, इट कैन बी सिंपली बी रिप्रेजेंटेड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन ऑफ पेपर पे। टू ड्रॉ अ लाइन वुड मीन्स टू रिप्रेजेंट इट। अगर हम किसी लाइन को बना रहे हैं तो उसको हमें रिप्रेजेंट भी करना होगा। हम लेबल करेंगे बाद स्मॉल लेटर एल एम एन, हम स्मॉल लेटर से हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा मैंने लिख दिया ये लाइन है और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एन से, स्मॉल लेटर से, ठीक है। नेक्स्ट है रे क्या होता है। अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन इज द रे ए बी। कोई भी एक रे है, कोई भी एक रे है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक रे है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी। अब ए की तरफ से वो लाइन एक्सटेंड हो सकती है, ये पॉइंट है बी, तो ये ए की तरफ से एक्सटेंड होगी तो उसको हम कहेंगे रे, इसका ए की एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो रे हैज़ वन एंड पॉइंट, और रे हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, एक ही एंड पॉइंट होता है, दो एंड पॉइंट नहीं होते, हम एक तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं। रे कैन नॉट बी ड्रॉन, इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन ऑफ पेपर पे। टू ड्रॉ अ रे वुड मीन्स टू रिप्रेजेंट इट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, आपको ये लाइन ये दे रखा है, आपको मैंने एक लाइन बना रखी है, उसका एंड पॉइंट है ए, एक ही एंड पॉइंट होना चाहिए और बी की तरफ से हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रे। अब हाफ लाइन क्या होगा, अगर एक रे है, उसके तीन पॉइंट है ए बी सी, उसका एंड पॉइंट नहीं है। सपोज ये वाली, आप देखो ये एक लाइन है, ठीक है, इसके तीन पॉइंट है, अगर बीच में से हम इसको काट दें तो हमारे पास दो लाइनें निकल के आएंगी, एक है ए बी और एक है ए सी, तो इसको हम कहते हैं हाफ लाइन। और ये एक तरफ से एक्सटेंड होगी, इसे ये बन जाएगी रे हमारी, ठीक है, ये एक ही तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, इसका एंड पॉइंट होगा ए। ठीक है, तो ये इसमें मैंने लिख रखा है कि इफ़ ए बी सी बी द पॉइंट ऑन द लाइन एल, एल लाइन पर ए बी सी तीन पॉइंट है, ए जो है लाई कर रहा है बी सी के बीच में, अगर हम ए को डिलीट कर दें फ्रॉम द लाइन एल, दो पार्ट रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास निकल के आएंगे उसको कहेंगे हम हाफ लाइन। अ स्ट्रेट लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन ओनली, स्ट्रेट लाइन जो है उसको हम ए की डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा बी की तरफ से हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, सी की तरफ से हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ए जो है वो एंड पॉइंट निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया हाफ लाइन। सेवन्थ है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि दो लाइन जो है अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसका एक कॉमन पॉइंट होता है, तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आपको डायग्राम में दिख रहा है एक ही पॉइंट पर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होता है, टू लाइंस एल एंड एम इन अ प्लेन आर सेट टू बी द पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट पॉइंट। अब इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था, उनके अंदर एक कॉमन पॉइंट था कि दोनों के बीच में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है। पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, और इसका कोई इंटरसेक्ट नहीं होते हैं ये। इफ़ एम एल आर पैरेलल लाइंस इन आ प्लेन वी राइट एल पैरेलल्स टू एम, पैरेलल की दो लाइनें होती हैं बीच में एल और एम, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो गई ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। अब नाइन्थ है कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेट टू बी द कोलिनियर। अगर एक लाइन पे आपको ये लाइन दिख रही है, इस पे तीन से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो इसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। इफ देयर इज़ अ लाइन विच कंटेन्स ऑल ऑफ देन, अगर कोई भी लाइन इन सारे पॉइंट्स को कंटेन करती है, उस पे लाई करती हैं पॉइंट्स ये एक स्ट्रेट लाइन पर, तो उसको कहते हैं हम कोलिनियर लाइंस। और स्पेशली इट इज़ रिलेटेड टू ज्योमेट्रिक फिगर से रिलेटेड होता है ट्रायंगल में, हम आगे पढ़ेंगे ना ट्रायंगल वाला चैप्टर, तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। और इसको हम एक एक्सिस कहते हैं अगर एक ही लाइन पे तीन से ज़्यादा पॉइंट्स लाई करते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया कोलिनियर लाइंस। अब नॉन कोलिनियर क्या होता है, नॉन कोलिनियर मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक लाइन है, अगर इसके बाहर मैं एक पॉइंट लिख दूँ जी या एफ, तो ये हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब किसी भी लाइन पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो ये हो गया नॉन कोलिनियर। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट लाइंस, थ्री और मोर लाइंस आर सेट टू बी द कॉन्क्रीट इफ देयर इज अ पॉइंट विच लाई ऑल ऑफ देम, अगर इसके बीच में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन पॉइंट पे बहुत सारी लाइन लाई कर रही हूँ, बहुत सारी, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा पी बीच में लिख रखा है पॉइंट पी, पी से मैंने डिनोट कर रखा है उसे, और इससे बहुत सारी लाइनें निकल रही हैं, तो ये हो गया कॉन्क्रीट लाइंस। ठीक है, आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे ये होते हैं 10 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम आगे भी यूज़ करेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।